की प्रतिमा के सामने। आज इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाने की बात चल रही है। इस अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक एक करके मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यह ख्याल आया। सबसे पहले चंपारण में पधारे हुए अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के अध्यक्ष संजीव सिंह जी के पास मैं चला हूँ। तो दरअसल एक व्यक्ति को सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में जीने के लिए जितना बेहतर उदाहरण महाराणा प्रताप से मिल सकता है, किसी और नेता से नहीं लिया जा सकता। महाराणा प्रताप अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राज्य और अपने समाज को बचाने के लिए अपने के साथ साथ अपने पूरे परिवार, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी ले जाकर जंगल के बियाबान तक में संघर्ष की बलिबली पर चढ़ाने का काम किया, ताकि ये देश बचे, ताकि ये घर बचे, ताकि ये समाज बचे, ताकि न्याय मिल सके, सुरक्षा मिल सके। और उन्होंने अपने पूरे परिवार को उस अग्नि संघर्ष में झोंक दिया, बलिदान किया और देश को एक अनुपम उदाहरण देने का काम किया, इस भारत को एक ताकतवर प्रमाण देने का काम किया कि देश के लिए, समाज के लिए कैसे अपने को आहूत किया जाता है, कैसे अपने को समर्पित किया जाता है, इसका उदाहरण है। उत्तर प्रदेश आए हुए अध्यक्ष महोदय से हम बात करते हैं, किस तरह आज के आए उत्तर प्रदेश रूप में देखते हैं? ये दाल रोटी कमाने वाला आयोजन नहीं, प्रताप का प्रताप ही हिंदुस्तान को जिंदा किए हुए हैं, किसी राजनीतिक दल ने इसको जिंदा किया। संगठन, संगठन कैसे बनता है अगर प्रताप की जीवनी अगर कोई पढ़ ले तो समझ सकता है। और अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ऐसे ही वीर जवानों के पसीनों पर चल करके अपने संगठन को खड़ा कर रहा है और आगे चलेगा। आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग जिसमें हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अपेक्षित है, अगर आप लोग साथ दें तो जो दाल रोटी कमाने वाले नेता हैं ऐसी जगहों पर उनको पनपने नहीं देंगे। जो इनके नाम को लेकर के रोटी कमाते हैं, खाते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब राष्ट्र के नाम पर, आइए जानते हैं स्थानीय नेतृत्व से किस तरह देखते हैं आज के आयोजन। आज के आयोजन भारतीय इतिहास में और विश्व के पटल पर महाराणा प्रताप जी से योद्धा अगर नहीं होते तो मुगलों का लगाम नहीं थाम पाते, और आज हम महसूस हैं और सुरक्षित हैं। उनका सारा श्रेय महाराणा प्रताप जी को जाता है जिन्होंने मुगलों के लगाम को थामा और अपने कौशल से, नेतृत्व से, दृढ़ क्षमता से उनका मुकाबला किया, और आज हम सुरक्षित हैं। इसलिए मेरा भी धरोहर है, पूजनीय है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चीज छोड़ कर गए जिनको हमको जीवंत रखना है। अभी हम सामने खड़े हैं ये सिर्फ आयोजन नहीं है, यह प्रतिदिन जो है नमन करने योग्य जो है बात है कि हम महाराणा का नाम लें, सुबह जगते हैं, नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। हालांकि यह कार्यक्रम जो हो रहा है, मैं इस कार्यक्रम में पिछले वर्षों से नहीं रहा हूँ, मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ और इस कार्यक्रम में आने का श्रेय जो है श्रीमान बिट्टू सिंह जी को जाता है, जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं तिरहुत प्रमंडल के। इन्होंने मेरे मन को जो है ये एक टीस सा दिया, ये बात जब मेरे सामने कही कि जो है हम लोग इस तरह का कार्यक्रम पिछले वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं तन मन धन से अपने सभी लोगों के साथ महाराणा प्रताप के जो है शौर्य दिवस को जो है मनाएंगे, और आज हम उनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम में जो है भागीदार हो रहे हैं। आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक डी के आजाद जी प्रबुद्ध हैं, तो अभी ये बताएंगे इस विषय पर। महाराणा प्रताप के प्रताप से यह देश जिंदा है। हालांकि आज के राजनीतिक वर्ग के लोग जो है युवा पीढ़ी को, नौजवानों को, आज के पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नई पीढ़ी में यह चेतना जागृत करने के लिए कि हर एक एक बच्चे को महाराणा प्रताप के शौर्य से शौर्यवान होना है, इसलिए शौर्य दिवस पर हम लोग माल्यार्पण के लिए आए हैं। और सवर्ण सेना जो है, सवर्ण मोर्चा यह पूरे हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप के प्रताप को फैलाएगी और हिंदुस्तान के एक एक आदमी को महाराणा प्रताप बनाएगी, इस संकल्प के साथ हम आज यहाँ इकट्ठा हुए। अब मैं जिनके बारे में चर्चा है लगातार वक्ताओं ने की,
करणी सेना के बिट्टू सिंह जी जो कि त्रिभुज प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो उनका प्रयास किस तरह का रहा और किस तरह की उम्मीदें की जा सकती हैं करणी सेना से इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो इस भारत के वीर पुत्र हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूँ। और जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन था कि सारे लोग जब राजनीति में हैं तो आपको किसका प्रचार कैसे, तो रही बात जैसे कि महाराणा प्रताप जी के बारे में बाकी हमारे गार्जियन स्वरूप लोगों ने बताया, तो इनकी वीरता का बखान करने का शब्द मेरे पास नहीं है। मैं असमर्थ हूँ कि इनकी वीरता को बखान कर सकूँ अपने शब्दों से। ये ऐसे शख्स थे जो कभी झुकना नहीं सीखे। सभी लोग जानते हैं, मैं आज के युवाओं से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग राजनेताओं का बात ना सुने, आप लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का बात ना सुने, आप लोग शिक्षित हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप लोग इतिहास को पढ़ें और जानें कि महाराणा प्रताप कौन थे और उन्होंने क्या किया इस देश को बचाने के लिए। ये देश लोग बोलता है हिंदुत्व जिंदा है, नहीं, मैं बोलता हूँ भारत जिंदा है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे महाराणा प्रताप जी को। और वो ऐसे शख्स थे, देखिए हमारी करणी सेना जैसे कि बनी है तो करनी